यो सब गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आप लोगों ने जैसे पिछली गेम प्ले वीडियो में देखा होगा कि गाइस, पिछली गेम प्ले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज बनाई थी, जिसको बनाने के लिए हम लोग अंडर वाटर गए थे। वैसे अंडर वाटर जाने में काफी ज्यादा खतरे थे, क्योंकि वहां पे जो सी मॉब्स थे वो ना बहुत बुरा दिमाग खराब कर रहे थे। पर यार, अच्छी बात यह है कि वहां पे इजीली हम लोगों ने उस मतलब ब्रीदिंग पोर्टल को बना लिया था। वैसे वो एक काउंट डक्ट से बनने वाला था, जिसको क्या कहते हम लोगों ने बनाया था बीच में। हम लोग कहते उसका यूज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सी हार्ट का यूज करके काउंट डक्ट बनाया। उसके बाद काउंट डक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने ब्रीदिंग पोशन मतलब ब्रीदिंग पोर्टल बनाया। तो आप लोग जैसे गाइस आवाज सुन पा रहे हो, जो ये आवाज निकाल लेना क्रीपर स्केलेटन जैसी, ये जो आप लोग मेरे कंधे पे बैठे हुए पैरेट को देख पा रहे हो, ये यही आवाज निकाल रहा हूँ। खुल जाए यार, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब टीपीवी में खुलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस जल्दी से अब हम लोग अंदर चल लेते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे पैरेट अपनी अपनी लोकेशन मतलब अपने अपने पोजिशन पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसको भी ऑफ मतलब बंद कर देता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं, एक तो यार इन लोगों का समझ में नहीं आता कब अंदर जाते हैं कब बाहर आते हैं। तो गाइस आज ना मैं एक ऐसा सच रिवील करने वाला हूँ जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। वो सच बाद में रिवील होगा, पहले उस लोकेशन तक पहुँचने के लिए। और ये देखो, मतलब ये पहले विलेजर से फाइट कर रही थी, उसके बाद स्पाइडर क्या कहते जाके कैट से फाइट करने लगी। तुम लोगों से इतनी बार करे, मतलब मैं अपनी शॉर्ट से नहीं मारूंगा वरना ये सब जल के मर जाएंगे, इतनी बार करे कि गेट मत खुला छोड़ा करो। और ये देखो, मतलब कि मैं निकल रहा तो रुक जाओ, मैं गेट तो बंद कर दूं। मतलब कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैं गेट बंद कर रहा हूं तो भी इन लोगों को इतनी जल्दी रहती विलेजर्स को। तो अब हम लोग जाने वाले एक ऐसी लोकेशन पे तो जहाँ पे एक सच रिवील होने वाला है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सच है। वैसे मतलब उसका फर्स्ट लेटर मैं बता देता हूँ, उसका फर्स्ट लेटर डी है। अब आप लोगों में से जिसने उस लोकेशन के बारे में सोच लिया है तो कमेंट में जाके बताओ, मैं अभी तो जानू कौन कौन सी लोकेशन आप लोगों ने सोची है। तो यहाँ पे ये बैठ चुका है, जल्दी से इसको सिट कर देते हैं वरना ये मेरे पीछे पीछे उड़ते हुए कहीं भी पहुंच जाएगा। तो पहले मेरे को चाहिए कुछ बो मतलब एक बो चाहिए, और जितनी भी फालतू का सामान है इन सभी को मैं यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बो ले लेता हूँ, कुछ एरोस ले लेता हूँ, मेरे पास एरोस तो काफ़ी सारे पड़े हैं। यहाँ ट्रेडिंग के बाद मेरे को काफ़ी सारे एरोस मिल जाते हैं विलेजर से। तो यहाँ पे सारा का सारा सामान मैंने ले लिया, यहाँ एन्चेंटिंग एप्पल रख देता हूँ। और मेरे को चाहिए एक हॉर्स आर्मर, हॉर्स आर्मर मेरे ख्याल से, हाँ इतने सारे हॉर्स आर्मर पड़े तो एक गोल्डन हॉर्स आर्मर ले लेता हूँ। और एक कंपास नहीं, लेड ले लेता हूँ, कंपास भी ले लेता हूँ। कंपास भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा, क्योंकि हम लोग जब वापस आएंगे, वैसे मेरे को अपने कासल की कोऑर्डिनेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है। पर यार कभी कभार क्या होता है कि कोऑर्डिनेशंस अगर थोड़ी बहुत भी मैं भूल जाता हूँ तो यार उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वापस आने में। तो गाइस अब हम लोग सीधा निकलने वाले हैं उस वाली लोकेशन के लिए। पहले उसके लिए मेरे को एक हॉर्स चाहिए होगा, और मैंने काफ़ी सारे हॉर्स को यहाँ पे बांध के रखा है लेड से, क्योंकि यार लास्ट टाइम यहाँ पे इतने सारे हॉर्स स्पॉन हो गए थे ना कि अब मैं ना उनको कलेक्ट करने लगा था। तो पहले मेरे को एक और काम करना है, मेरे को क्या लेना है, सीडल लेना है। सीडल ले लिया मैंने, जल्दी से अब हम लोग सीधा निकल रहे। सीडल बेसिकली इसे क्या कहते हैं, हॉर्स को कंट्रोल करने का काम आता है। जब हम लोग हॉर्स को आगे पीछे करते हैं तब ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो हम लोग सीधा निकल लेते हैं। वैसे मैं फेंस से जंप तो नहीं मार पाऊंगा, अगर मेरे पास क्या कहते जो हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं वो अगर चल रहा होता तो हम लोग क्या कहते आराम से पहुंच जाते, मतलब जंप कर लेते। चलो कोई नहीं गाइस, अब हम लोग जितनी भी लेड है वो निकाल देते हैं इनको। और इधर आ, वो भाई ये तो सीधा लॉन्ग रूट पे निकल गया। इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ पे तेरे को मैं बांध देता हूँ। और यार ये भी बन के गया लग रहा मेरे को, अच्छा ये मैं तो इसके ऊपर बैठ गया। चलो कोई नहीं गाइस, ये अब रेडी है टूर पे जाने के लिए, तो मैं इसको बांध देता हूँ। वैसे मैं ले जाने वाला था इसको, पर ये ना मूड में ही नहीं है जाने के, तो मैं इसको बांध देता हूँ और वाइट वाले को ले चलता हूँ, क्योंकि वाइट वाले के ऊपर गोल्डन आर्मर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगेगा। वैसे इन लोगों को खाने के लिए चाहिए तो एप्पल, और वो भी गोल्डन एप्पल जिससे ये लोग ब्रीड करते हैं। तो जल्दी से चले रेडी, और यहाँ पे राइड मैं कर लेता हूँ। अब जल्दी से हम लोग सीधा, पहले तो इसको यहाँ पे सैंडल पहना देते हैं, और
हॉट सलमा पहना देते हैं और हम लोग सीधा निकल लेते हैं उस वाली लोकेशन के लिए, तो वैसे दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी वॉर के लिए निकल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग उस वाली लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं, वैसे वो थोड़ी दूर है अभी, पर मेरे को एक ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे मैं इस हॉर्स को मतलब कि बांध सकूँ एक जगह लेट से, जिससे ये कहीं जाए ना, क्योंकि मेरे को वापस भी इसी हॉर्स से जाना है, क्योंकि मेरे पास और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि मैं किससे वापस जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आगे कहीं एक लास्ट टाइम एक फेंस गाड़ी थी जिससे मैं आराम से किधर भी जा सकता था, तो यहीं कहीं तो मैंने वो फेंस गाड़ी थी, पर मेरे को याद नहीं आ रही किधर मैंने वो फेंस गाड़ी है। तो यार गाइस यहाँ पे वो फेंस तो मिल गई, पर यहाँ पे साथ में एक स्केलेटन भी मिल गया जिसको मैं हॉट से बैठे बैठे ही मारने वाला हूँ। अगर मैंने इस स्केलेटन को हॉट से बैठे बैठे मार ही दिया तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे सब्सक्राइब मत करो, एक लाइक तो यार छोड़ ही दो, वैसे सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन चाहिए जल्द ही तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो जल्दी से हम लोग सीधा उस लोकेशन पे निकल लेते हैं, जैसे सामने ही आ गई है। आप लोग जो एक फ्लैग टाइप का देख पा रहे हो जिसमें ऊपर सी लैंटर्न्स लगी हुई है, वही हमारा एक बहुत ज्यादा तगड़ी लोकेशन का एक मतलब एकदम मतलब इसको आप लोग कह सकते हो कि ये कोई स्टेशन है जहाँ से हमारी लोकेशन के लिए ट्रेन जाती है। वैसे इस चेस्ट में काफी सारी माइन कार्ड्स पड़ी होंगी जिनको लेके मैं निकल लेता हूँ। वैसे दो ले लिए मैंने, एक इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मॉब आ रहा है, मेरे को आवाज़ तो आई इधर से आया, इधर आया कोई तो, हाँ मेरे को लग ही रहा था कि कोई आ रहा होगा, तभी मेरे को क्या कहते एकदम आवाज़ आ गई, अभी ये खुद वापस आएगी, नहीं आएगी तो ये वापस तो आएगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ये वाटर में जाके अटक चुकी है, अब मैं जल्दी से इस पे जाके बैठ जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा पीछे से हम लोग क्या कहते रेस देंगे, तब गाइस हम लोग जल्दी से सीधा उस वाली लोकेशन पे हट, मतलब कि सीधा आके आगे ही खड़ा हो गया। वो भाई ये क्या था, रुक जाओ तुम, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी, मतलब कि ओ भाई ये दोनों एक साथ मारोगे क्या, रुक जाओ मेरे को एक को तो मारने दो, इधर आ, अब तेरी तो खैर नहीं, तुम लोग एक सॉर्ड के हो नहीं और इतनी ज्यादा क्या कहते पावर दिखाते हो। तो यहाँ पे अपनी माइंड कार्ड को रखा, उसके बाद शुरू कर देते हैं अपनी मतलब जर्नी सीधा। अब हम लोग जाने वाले हैं लोकेशन पे जहाँ पर हम लोगों को एक ऐसी चीज हर्जा दूर बनना, भी सीधा मेरी माइंड कार्ड के नीचे आ जाएगा, मतलब माइंड कार्ड के नीचे तो नहीं आएगा, सीधा मेरी माइंड कार्ड में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे फूल्स आप लोग यार देख पाते हो सकते हो कितने सारे फूल्स हैं यहाँ पे, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन लग रही है मेरे को, क्योंकि यार यहाँ पे फूल्स हैं, मतलब एक और ऐसी चीज़ होगी जहाँ जो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे यहाँ पे जो बी होती है मतलब मधुमक्खी होती है वो यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूल होते हैं ना वहाँ पे मधुमक्खी मिलने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। वैसे हो सकता है यहाँ पे कहीं पे हो, इधर आ, मतलब कि मैं ना 2 मिनट भी कहीं सही से खड़ा ना हो सकूं। तो गाइस आप जल्दी से हम लोग चल लेते हैं अंडर बेसमेंट, क्योंकि आप लोग में से कई लोग जानते होंगे ये लोकेशन कहाँ की है। बेसिकली से गाइस ये जो लोकेशन है ये हमारी डायमंड माइंस की लोकेशन है, जहाँ पे हम लोग डायमंड्स को माइन करते हैं। अब आप लोग झूठ मान लोगे, मैं आप लोगों को नीचे रखी चेस्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना डायमंड मिला है मेरे को अभी तक। तो ये देखो, एक नहीं दो नहीं टोटल 10 stacks भर के यहाँ पे डायमंड है, और यहाँ पे दो और पड़ा हुआ, मतलब टोटल 11 से 12 stacks भर के डायमंड पड़ा हुआ है। और यार आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डायमंड पड़ा, और इससे मतलब आधा या आप लोग एक 1/4 कह सकते हो कि 1/4 डायमंड तो मेरे कासल में अकेले पड़ा हुआ है, क्योंकि यार हम लोगों ने जो ऊपर आप लोग देख सकते हो ऊपर जो हम लोगों ने क्या कहते नेदर स्टार्स यूज करके जो पोर्टल बनाया था ये बेसिकली सा, वो यार क्या कहते पूरा का पूरा डायमंड गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ है। वैसे उसे पोर्टल कहते हैं या कुछ और कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे उसको, वैसे गलत हो गया हो तो यार सॉरी उसके लिए, बाद में उसको सही कर दूंगा। तो ये देखो, इसी चीज़ों की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर आप बेडरॉक से 11th block ऊपर किसी भी जगह पे माइन करते हो थोड़ी दूर तक, तो आपको ऐसी लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे डायमंड बहुत ज़्यादा ही होता है, मतलब कि
या तो वो पूरे के पूरे आपका माइनक्राफ्ट जो सर्वर होता है या माइनक्राफ्ट जो मैप होता है, उस पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट मैप का बिल्कुल सेंटर होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा डायमंड होता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब कि अगर इतना डायमंड होता है कि आप लोग पूरा का पूरा आप लोग कासल अपना डायमंड से बना सकते हो, मतलब डायमंड ब्लॉक से बना सकते हो, इतना ज़्यादा डायमंड होता है वो उस पूरी पूरी लोकेशन में, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर होता है ना, जिसमें काफ़ी सारे डायमंड गोल्ड और आपका कहते थे एनविल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मिल जाती हैं। तो यार ये देखो इतने सारे हो सके हो, पहले तो मैं एक डायमंड की पिकैक्स बना लेता हूँ, क्योंकि यार वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी ओस मिले हैं हम लोगों को, इन सभी को यहीं पर रखवा देता हूँ, क्योंकि ये बाद में हम लोगों को काम आएंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ी स्टिक्स बना लेता हूँ, और स्टिक्स बनाने के बाद मैं डायमंड की पिकैक्स ले लेता हूँ, ये एक काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेदरराइट की पिकैक्स है। वो बेसिकली उसमें सिल्क टच लगा हुआ है ना, जिस वजह से वो पूरे के पूरे ओर को ही तोड़ लेती है, मतलब डायमंड ओर गोल्ड ओर सब सीधा ही उसको तोड़ लेती है, ये ब्लॉक वगैरह नहीं देती। तो गाइज अब हम लोग जाने वाले हैं इस पूरी की पूरी माइन के एंड में, जहाँ पर पहुँचने के लिए मेरे को 10 से 15 मिनट आराम से लग जाने वाला है। तो गाइस मैं जल्दी से सीधा पहुंचता हूँ उस वाली लोकेशन पे। तो गाइस यहाँ पे मैं इस मतलब डायमंड माइन की एंड लोकेशन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे वो जो माइन है वो एंड होती है बेसिकली। उसे अभी और काम बाकी है, अभी हम लोगों को इस माइन को बहुत ज़्यादा लंबा करना है, और मैं सोचा हूँ क्यों ना इस माइन को हम लोग अपने कासल तक ले जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको सीधा अंडरग्राउंड हम लोग सीधा अपने कासल तक ले जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी माइन का मतलब माइन कार्ट्स और जितनी भी रेल वगैरह ऊपर पड़ी है ना, उन सभी को ला के नीचे से बिछा देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे आराम से आ जाएंगे, नॉर्मली कुछ भी। तो यार ये देखो, मतलब मैं आप लोगों से बता रहा था ना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लोकेशन में डायमंड ओर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग आराम से कहीं भी कलेक्ट कर सकते हो। तो यार ये देख सकते हो, मेरे को आराम से यहाँ पे 3 से 4 क्या कहते हैं डायमंड्स मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार ये पूरी की पूरी लोकेशन में मैं बहुत आराम से ही मूव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पोर्शंस रखे हुए हैं, आराम से मैं पोर्शंस आप बना लेता हूँ। क्योंकि यार अगर आप लोग किसी भी चीज़ को बनाते हो तो यार कोई भी दिक्कत नहीं होती है बाद में उसको बनाने में। वैसे मेरे पास सारी की सारी नेदरराइट की चीज़ें हैं, और अपने पास वाटर बकेट तो रखी है, बहुत जल्दी ही हम लोग क्या कहते हैं अगर लावा से जल जाते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग उससे रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो गाइस जल्दी से इसका डोर में बंद कर देता हूँ। ये क्या है, ये तो मेरे ख्याल से रैबिट है। अच्छा ये ब्राउन कलर का रैबिट है, जो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा था कि यहाँ पे बी का जो हाउस है मतलब हनी कॉम है ना, वो हो सकता है, और हो क्या सकता है, सामने की तरफ आप लोग माउंटेन में देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल 3 और यहाँ पे पेड़ पे 2, मतलब 6 से 7 यहाँ पे हनी के ब्लॉक्स हैं। मतलब ये ब्लॉक्स वैसे कि पूरे पूरे एक बार में आप लोग ले सकते हो, पर यार इनसे अगर आप हनी ले लेते हो उसके बाद इनको तोड़ते हो, तो उसके बाद ये कलेक्ट नहीं हो पाते। और अगर मैंने गलती से भी किसी भी बी को अगर हाथ तक लगा दिया ना, तो ये सारी की सारी मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगी। तो अब वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा कि ये जान के पीछे पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी। तो गाइस यार यही थी गेमप्ले वीडियो, अगर आप लोगों को ये वाली गेमप्ले वीडियो अच्छी लगी होता है जल्दी से आओ कमेंट में जाके जरूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द क्रॉस कर सके। और यार मेरे से बात करने के लिए आप लोग ने मेरा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को फॉलो नहीं किया है, जल्दी जाके फॉलो करो गाइज, क्यों लेट कर रहे हो, फॉलो कर लो, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, गुड बाय गाइज।